महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 52वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री तथा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह द्वारा सांता क्रूज पूर्व कलीना परिसर में स्थित भीम छाया संस्कृति केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को 52 टाई साइकिल, 52 सिलाई मशीन तथा 52 हीरिंग वितरण किया गया। इस दौरान समाज सेवक और बीजेपी नेता राम कुमार पाल उपस्थित रहे, जिनके हाथों आए हुए जरूरतमंदों को सिलाई मशीन और सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था राम कुमार पाल और मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। जनता पार्टी की जैसे पर पार्टी है, हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते, सेवा सप्ताह है। और आज जो ये जन्मदिन का उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ वो भी सेवा सप्ताह के रूप में ही मनाया जाएगा। आज से शुरू हुआ 31 तारीख तक, ये 10 तारीख तक कृपा शंकर सिंह जी का जन्मदिन तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। हमारी जनमानस आपने देखा, लोग इधर जो है जरूरत लोग आए उनको सिलाई मशीन, कारी मशीन का वितरण और जो है कई सारी ज़रूरतमंद चीज़ें जरूरतमंदों को मिले, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तक सिंगल इंजन की सरकार थी तो ये सब चीज़ों से वंचित थी। लगभग कितने लोगों को वितरण किया गया? 52वां जन्मदिन होने के नाते 52 सिलाई मशीन, 52 कान की मशीन और 52 जो है ट्राई साइकिल, लेकिन उसमें 3 और डाला गया है, क्योंकि 3 जो है इसलिए कि 3 शुभ की गिनती होती है, इसलिए 55 किया गया है, 55 तीनों चीज़ें। और अगर किसी को लगेगा तो हमारी पार्टी कालीना जो है, कालीना में हमारे पार्टी कार्यालय में आकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, उनको भी दिया जाएगा। और आगे चल के 2000 छड़ी का वितरण का भी कार्यक्रम है कालीना विधानसभा के द्वारा। कालीना में जो है मैं जिलाधिकारी के नाते मैं यही कहूँगा कि लोगों की सेवा करते रहना ही भारतीय जनता पार्टी है। सेवा करने का जो भी कार्यक्रम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के दूर होगा, और बिगाड़ी सरकार ने 2.5 साल में जो बिगाड़ा है उसको बनाने के लिए हम लोग आ चुके हैं। विधानसभा वाइज सारी विधानसभाओं को मिला है, सारी विधानसभाओं को छोड़िए 236 वार्डों का कार्यक्रम मिला है, और हर तरह आज यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे चल के सेवा सप्ताह के रूप में हर जो है वार्ड में मनाया। आज के इस कार्यक्रम को लेकर, ये आत्मनिर्भर के लिए एक योजना थी, और हमारे सुपर CM देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर कृपा शंकर जी अपनी सोच और अपनी सेवा आप लोगों को बीच देने का प्रयास किए हैं। और देखिए घोषणा पार्टी और कर्म पार्टी में क्या अंतर होता है। आज ये 15 दिन की सरकार में 50,00,000 करोड़ का एक फ्लाईओवर ब्रिज मंत्रालय से वैसे ही पास हुआ है। 1,00,000 करोड़ का आपका जो दिल्ली हाईवे था वो पास हो गया गडकरी के नेतृत्व में, और किसानों को 50,000 रुपया बाढ़ पीड़ित ने मिला, और ये भी आप लोगों को सेवाएं मिलने वाली है। और इस सरकार का एक ही ध्येय, वे आर ए कारशेड को जानबूझ के रोका गया था, पहले ही CM ने बैठते उस योजना का मंजूरी दी है। और इसी बात को आज अधिक ज़्यादा पवार विरोधी पक्ष है, लेकिन कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा था, और जितना लेट होता उतना साल का नुकसान देश का होता। ये जो अरे कारशेड रोकने का काम था सिर्फ उद्धव जी की जीत के कारण हुआ, जबकि उसका 70% काम हो चुका है। आरे कारशेड कितना ज़रूरी है मेट्रो के लिए, आज नाम मात्र के लिए आरे से दहीसर चालू किया, कितने लोग को लाभ मिल रहा है? क्या बांद्रा से दहीसर के लोग नहीं है, अंधेरी से लोग नहीं है? ये सोच का फर्क है। और सारी योजनाओं को उन्होंने रोका था, उस सारी योजनाओं को आज फिर गति मिल रही है, और वो सारी योजनाएं सड़क विकास मेट्रो ये मुख्य ध्येय है इस सरकार का आप जनता जनार्दन के लिए। उन्होंने बोला था कि हमारे जन्मदिन को सब कोई बैनर कोई आदि नहीं होना चाहिए, सेवा का सब काम होना चाहिए। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित है माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के 52वें जन्मदिन के निमित्त। और आपका सवाल ठीक है कि आपने बोला कि देवेंद्र जी ने बताया था कि मेरे जन्मदिन के निमित्त कोई उत्सव नहीं मनाया जाए, कार्यक्रम नहीं किया जाए कुछ, लेकिन सेवा का कार्य करने के लिए, सेवा का कार्य किए गए, इसलिए आज हमारे महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने आज सेवक के निमित्त जो गरजू महिलाएं हैं, जो कान से सुन नहीं सकते हैं, जो अपंग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर सिलाई मशीन आज 55 सिलाई मशीन, 55 ईयर रिंग, 55 साइकिल, मतलब आप सोचिए कि सेवा का कार्य कृपा शंकर जी इस कालीना विधानसभा में निरंतर करते आते हैं और निरंतर लोगों के बीच में रहने वाले हमारे नेता हैं कृपा शंकर जी और लोगों के बीच में काम करने वाले नेता हैं। आज जन जन तक उनकी भावनाएँ पहुँची हैं और वो पहुँचाने के लिए इस प्रकार तत्पर है कि उन्होंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के निमित्त एक सेवा कार्य किया है और सेवा कार्य है ये, कोई उन्होंने और दूसरा फंक्शन नहीं किया, सेवा के माध्यम से लोगों को घर को चलना, हैंडीकैप को चलने को नहीं आता उसको साइकिल देना, जो कान से सुन नहीं पाता उसके लिए कान की मशीन देना, मतलब ये देखिए सेवा कार्य किस प्रकार माननीय कृपा शंकर सिंह जी कर रहे हैं। राष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का 52वां जन्मदिन है। इस खास अवसर पर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह जो पूर्व के गृह राज्य मंत्री हैं उनके सौजन्य से 55 ट्राई साइकिल, 55 सिलाई मशीन और 55 कान की मशीन आम जरूरतमंदों के हाथों में वितरण किया गया है। आप देख सकते हैं कालीना का यह विस्तार है जहां पर बहुत से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और इन ज़रूरतमंदों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि जहां सिंगल इंजन की सरकार थी वहां पर केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब यहां पर डबल इंजन की सरकार हो गई, यानी केंद्र में मोदी जी और यहां पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सौजन्य से आम जनमानस तक यह योजनाएँ पहुँचाई जाएंगी। हालाँकि यह योजना आज कृपा शंकर सिंह के वैकल्पिक उनके तरफ से था, उनके पर्सनल की तरफ से था, जिसे कई लोगों ने सहयोगी के रूप में अपने हाथ बढ़ाए थे, लेकिन आने वाले समय में कृपा शंकर सिंह ऐसी योजनाएं भारत सरकार के मार्फत आप तक आम जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। तो इस खास अवसर पर मैं देवेंद्र फडणवीस जी की मंगलमय जीवन की कामना करता हूं कि आज वो 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं और भगवान करे ऐसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सितारा बुलंद करते हुए केंद्र की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाते रहे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।